अच्छा सर भाई एक चीज और बताओ मेरे को आप जी। जैसे मान लो किसी भाई ने लाइसेंस भी ले लिया गाड़ी का, गाड़ी भी ले ली, तो कितने पैसे वो कमा सकता है आराम से? वो मैं मैक्सिमम 5,000-6,000 महीने का आराम से कमा सकता है, इससे ज्यादा भी है क्योंकि पैसेंजर मिलते रहते हैं इधर, गोरा लोग आते हैं घूमने, अगर अच्छी गाड़ी है तो आप ज्यादा कमा सकते हैं, अगर थोड़ी सी गाड़ी यानी अच्छी नहीं है तो पैसे कम कमा सकता है। एक जिस भाई ने ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया, कौन सी गाड़ी उसके लिए बेस्ट रहती है? लोडिंग गाड़ी में जाना चाहिए या बंदे को सवारी गाड़ी में जाना चाहिए? मतलब कमर्शियल व्हीकल में भी इनकम हो सकती है, और जो गाड़ी हम सवारी वाली है, जो हम टूरिस्ट एरिया है दुबई एक, तो यहाँ जो घूमने के लोग जाते हैं, कौन सी ज्यादा गाड़ी को प्रेफर करते हैं? 7-सीटर गाड़ी होना चाहिए बस। अच्छा, कोई भी कंपनी की हो, अच्छी गाड़ी हो तो अच्छे पैसे हैं, अगर माड़ी गाड़ी हो तो जरा कम पैसे हैं। इसलिए सर भाई जैसे आपने मेरे को बताया अभी कि 5,000-6,000 दिरहम आराम से कमा सकता है बंदा, अगर खुद चलाए बंदा गाड़ी तो ज्यादा कमा सकता है। हाँ जी, अगर ड्राइवर रखेगा तो सीधी सी बात है 2,500-2,500 ड्राइवर भी सैलरी लेगा। भाई कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई मेरा भाई दुबई में आके अपनी गाड़ी डालना चाहता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है, सबसे पहले उसे टूरिस्ट वीजा लेना है, उसके बाद उसने वर्क परमिट अप्लाई करना है कहीं से भी जुगाड़ करके, या फ्रीलांस वीजा भी ले सकता है, उसके बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करेगा। अच्छा से भाई चिंता हो, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी ट्रेनिंग कितने दिन की, टाइम कितने दिन ट्रेनिंग होती है उसकी? उसकी ट्रेनिंग ऐसे कि क्लासा का हिसाब होता है, मतलब लगा लें 15 क्लासेज या 16 क्लासेज होती हैं, वो उसके वो अंदर सिखाते हैं पहले, सिखा के बाद में फिर वो 6 घंटे रोड का करवाते हैं। वो कोई भी उस्ताद, वो कंपनी का गाड़ी होता है, वो गवर्नमेंट का गाड़ी है, वो घंटे के 60 दिरहम लेते हैं, तो वो सिखाते हैं रोड पे, फिर उसके बाद फाइनल ट्राई होता है जो पुलिस वाला साथ बैठा होता है। भाई कहने का मतलब जो भी पहले सिखाया जाता है उसकी फीस है 60-70 दिरहम, उसके बाद उसकी फाइनल ट्राई होती है, अगर फाइनल ट्राई में बंदा फेल हो जाता है फिर भाई दोबारा दोबारा उसका 400 दिरहम होता है फीस, दोबारा ट्राई बुक करवाएगा, फिर वो दोबारा फिर फीस भरनी पड़ेगी, फीस भरनी पड़ेगी लाजिम। अच्छा से भाई एक चीज और बताओ, मान लो बंदा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो सरकारी कहाँ जाना पड़ेगा उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के? ये इधर बहुत स्कूल बने हुए हैं ना गवर्नमेंट के, एमएड स्कूल है, फिर और भी 2-3 स्कूल है। okay. तो ऐसे भाई कहने का मतलब ये हुआ कि कोई मेरा भाई दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है तो वो स्कूल है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के, वहाँ जाओ फीस भरो तो 15-20 दिन क्लासे लगाओ, फिर फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल आपकी ट्राई होती है सिटी में, आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, अगर वहाँ से आप पास हो जाते हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। दोस्तों सारी चीज से भाई होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में मिल जाता है? बाय हैंड देते हैं, टाइम लगता है? नहीं, अगर आप फाइनल ट्राई पास हो जाते हैं ना तो वो फाइनल ट्राई 350 दिरहम दे के उसी टाइम आपके हाथ में लाइसेंस दे देते हैं। ओके, ये अलग से फीस होती है? हाँ, वो लाइसेंस लेने की फीस होती है 350 दिरहम, और जो लाइसेंस की शुरुआत में जो फीस भरते हैं वो 400 दिरहम है? नहीं, जो शुरू में भरते हैं वो 250 रुपया फाइल ओपन का है, 100-100 दिरहम आई टेस्ट का है, आई टेस्ट के बाद वो आपको देंगे थ्योरी टेस्ट, वो ऐसे लैपटॉप बना होता है, उन्होंने आपसे सवाल पूछने, 3 सवाल आगे आएंगे, उनमें से जो भी सही होगा आप उस पे यस कर देंगे। भाई कहने का मतलब सब जो आपकी 250 रुपए फीस होती है, 100 उसकी आई टेस्ट, आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है इसके अंदर, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है बनवाते हो आप, उसके बाद जब आपकी पूरी फाइनल आपकी ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है तो आप 350-400 दिरहम देके बाय हैंड आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। चलो बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ, जैसे इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश है, नेपाल है, कोई भी कंट्री का यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस अपना अप्लाई कर सकता है? कोई भी किसी दुनिया की किसी कंट्री का भी बंदा है। अच्छा, कोई इशू नहीं है उसको किसी किस्म का भी। ओके, तो कोई भी भाई मेरा जो भी कर सकता है, अगर प्राइवेट टैक्सी का उसका जुगाड़ नहीं है, अपनी गाड़ी लेने का जुगाड़ नहीं है, तो भाई जो भी कर सकता है। अच्छा से भाई एक चीज बताओ, मान लो आप ड्राइविंग करते हो गाड़ी के ऊपर, तो कितनी सैलरी आपको मिलती है ड्राइविंग की? मुझे मैक्सिमम 2,500-2,800, अगर ज्यादा काम है तो 3,000 फाइनल जो है ना, अगर अच्छी भी सैलरी है, अगर किसी का चेक लग जाए 3,500 तक सैलरी ड्राइवर की मिलती है 3 नंबर में। इस बार रहना खाना भी देता है आपको मालिक? जी कुछ कुछ देते हैं, कुछ नहीं भी देते, मेरा मालिक तो माशाल्लाह अच्छा है, वो मुझे देता है खाने के लिए भी सब कुछ। ओके, अच्छा एक चीज हो सर भाई, जैसे मान लो हम गाड़ी, चलो आप तो टैक्सी गाड़ी चला रहे हो, यहाँ पे पर्सनल ड्राइवर भी रखते होगे, यहाँ के जो शेख है, जो इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े रिच फैमिली से है, वो भी अपने पर्सनल ड्राइवर भी रखते होंगे? वो रखते हैं सब। उसकी सैलरी ज्यादा होती है या? बिल्कुल ज्यादा होती है।
उसको रहना भी मिल जाता है, खाना मिल जाता है, रहायश। असल में ना इधर मतलब बस का लाइसेंस बंदा लेता है वो स्कूल की ड्राइविंग करने लग जाता है। स्कूल में कि दो छुट्टियां एक वीक में आ जाती हैं, फिर उनकी सैलरी 4,000 से 5,000 सैलरी होती बस की, फिर छुट्टियां होती हैं साल में 2 महीने छुट्टी होती है वो, ऐसे मतलब ठीक है सब। ये इनके नंबर होते हैं, जैसे ये गाड़ी मैं चलाता हूँ इसका 3 नंबर लाइसेंस है, बस का है जो 4 नंबर लाइसेंस है। ठीक है, अच्छा ये भी एक नई बात है भाई, लाइसेंस के भी नंबर होते हैं। बिल्कुल, कमर्शियल व्हीकल का नंबर अलग होगा। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैनुअल गाड़ी है ना इसका 3 नंबर है, ऑटो गाड़ी का है वो 2 नंबर लाइसेंस है। अगर जिसके पास ऑटो लाइसेंस है वो मैनुअल नहीं चला सकता, ओके, उसको ऑटो करवाना पड़ेगा, अगर चलाएगा तो उसको फाइन पड़ेगा। ओके 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 भाई, ये थी दोस्तों एक बहुत बढ़िया जानकारी भाई ने दी है। भाई बहुत दिनों से यहाँ दुबई में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा से भाई आपसे बात करके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।